नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है नई उम्मीद में और मैं हूं निर्भयकर। कोरोना को लेकर पूरे विश्व में डर का माहौल है और लॉकडाउन की स्थिति है पूरी दुनिया में, और सभी देशों की जो आर्थिक स्थिति है वो धीरे धीरे दयनीय होती जा रही है, क्योंकि कोरोना लोगों के ऊपर पूर्ण रूप से अभी तक सवार हो चुकी है। तो इसी क्रम में हम आपको लेकर चल रहे हैं भारत के तेलंगाना राज्य के हैदराबाद में, जहां पर जगन मोहन मेटला जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो एक सोशल वर्कर भी हैं, राजनीतिक भी हैं और फॉरेन बिजनेस में भी उनका इंटरेस्ट रहता है। तो सबसे पहले स्वागत है जगन मोहन मेटला जी हमारे इस कार्यक्रम में। और किस तरह के क्या हालात हैं, यदि पूरी हैदराबाद पूरे तेलंगाना की बात करें तो किस तरह के क्या हालात है वहां पर कोरोना को लेकर? हम लोग घर पे हैं, कहीं नहीं जा रहे, तो इसीलिए ठीक ठाक है। मगर हैदराबाद में जो अभी हालात है पहले से थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है। इसका मतलब यह है कि जो एक प्रोग्राम हुआ था दिल्ली में, उसके वजह से वो स्प्रेड होने का बहुत ज़्यादा हो गया। अदरवाइज यहाँ पर बहुत ही अच्छा है हालात, और जो हमारा गवर्नमेंट है पूरी तरीके से उसके जो भी प्रॉब्लम्स है वो सब क्लियर करते करते सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। और यहाँ पर जो कर्मचारी है, मतलब कि पुलिस व्यवस्था है और जो GHMC है, मतलब नगर पालिका, वो सब अपने आप अच्छा तरीके से काम कर रहा है। तो इसके वजह से थोड़ा सा फैलने का चांसेस बहुत कम है। और जो 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 लोग ऑलरेडी है उनको लॉकडाउन, उनको क्वारंटाइन कर रहे हैं, उसके बाद डिस्चार्ज भी कर रहे हैं, और जो मरने का चांसेस भी बहुत कम है यहाँ पर। जी, कहने का मतलब जगन जी, वहाँ पे लोग लॉकडाउन का पूरी सख्ती से पालन कर रहे हैं और लोग सरकार की बातों को, सरकार के द्वारा जो कही गई बातें हैं उन चीजों को फॉलो कर रहे हैं? हाँ, पूरा पूरा तरीके से फॉलो कर रहे हैं। अभी आप व्यापारी भी हैं और सोशल वर्कर भी हैं, इस दौरान में जिस तरह का कोरोना एक महामारी, वैश्विक महामारी है, तो इस दौरान क्या आपको लगता है आपके व्यापार पर कितना असर पड़ा है? नहीं, असर तो थोड़ा सा पड़ेगा, उसमें कुछ नहीं बोलने का कुछ है नहीं। मगर जो असर पड़ रहा है वो मेरे लिए पर्सनल है। अगर पर्सनल में लेंगे तो थोड़ा सा होगा, मगर देश के हित के लिए तो ये छोटा है। तो इसमें एक ही मेरे तरफ जो भी है, मतलब पर्सनली, वो अगर बाजू में रखेंगे, देश के लिए जो हित है, हित के लिए हम काम करने के लिए तैयार है, उसके लिए थोड़ा सा सैक्रिफाइस करना है तो करने के लिए तैयार है। जी, वैश्विक तौर पर देखा जाए तो आपको क्या लगता है कि यह जो कोरोना मामला है वो कहाँ से निकला और किस हद तक पूरे विश्व को प्रभावित कर रहा है ये? अभी देखिए, चाइना का जो कोरोना वायरस है वो मैन मेड करके सब लोग बोल रहे हैं, और थोड़े लोग बोल रहे हैं वो जो उनका जो खाने का जो चीज़ है उससे भी फैल रहा है करके बोले। जो भी हुआ, मगर वो बहुत ही भयानक और बुरा है। उसमें क्या है, जब चाइना अपने आप मालूम पड़ा कि वो भयानक बीमारी है, तो वो लॉकडाउन जो किए वो ठीक है, मगर वो लोग WHO और दूसरे कंट्रीज को पहले से इन्फॉर्म करके रख दिए, तो इतना बड़ा हादसा नहीं होता था, मेरे जो अंदाज है उसके हिसाब से। चाइना, भारत के साथ चाइना, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश काफी पड़ोसी देश है, और चाइना में जिस तरीके से ये स्टार्टिंग और वहां से लेकर पूरे विश्व भर में ये निकला, तो इससे नेपाल, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे भारत हो, चाहे पाकिस्तान हो, सभी कहीं ना कहीं अछूता रहा। लेकिन सबसे ज्यादा चीन के सबसे ज्यादा पड़ोसी होने के नाते भारत ज्यादा अफेक्टेड हो रहा है। इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? अभी देखिए, जो भी लॉकडाउन हुआ है, जो अपना भारत के सब कॉन्टिनेंट्स है वो अच्छे तरीके से कर दिए। जैसे कि आप देखेंगे, इटली है, स्पेन है, जर्मनी है, और विश्व सबसे बड़ा अमेरिका है, वो जितना कर नहीं पाया जितना अपने सब कॉन्टिनेंट कर चुका है। तो पूरा विश्व अपने आप तरफ देख रहा है। इसके वजह से मेरे जो सोच विचार है, आगे जाके जो व्यापार हो या इकोनॉमी हो, वो थोड़ा सा
अपना अपने तरफ आने का संभावना बहुत है। आप सोशल वर्कर भी हैं, किस तरीके से आपके एरिया में हालात हैं, क्योंकि इस टाइम सोशल वर्कर की भी काफी इम्पोर्टेंट रोल हो जाता है, तो आप किस तरीके से देख रहे हैं एज ए सोशल वर्कर इस पूरे मामले को? अभी ये जो माहौल है वो तो मेरे ख्याल से एक 100 ईयर्स पहले आया था, तब अगर देखेंगे तो कोई नहीं है ये जो विश्व में जो अभी तक उसका हादसा महसूस किया और पर्सनली थे। ये जो लॉकडाउन का वो सिस्टम है कहीं नहीं है। अभी ये सिस्टम जो जो कंट्री बनाएगा, जो जो देश बनाएगा, वो आगे जा कर के वो एक स्टैंडर्ड बन जाएगा अपने आप। तो ये जो सिस्टम हर जगह हो रहा है, जो मतलब ये महामारी का जो निकालने का हटाने का जो सिलसिला चल रहा है, उसमें से भारत के तरफ से तो बहुत ही अच्छा है, वो तो आपको मानना ही पड़ेगा, विश्व को मानना पड़ेगा। क्यों, मतलब जितना बड़ा देश है, जो हादसा हो रहा है, मतलब जो डिसीज फैल रहा है और जो मर रहे हैं बहुत कम। जैसे कि आप इटली देखिए या जर्मनी देखिए, स्पेन देखिए, जो यूरोपियन कंट्रीज हो रहा है और अमेरिका में हो रहा है, उसको अगर आप देखेंगे, आंकड़े देखेंगे, और यहाँ का जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है वो आंकड़े देखेंगे तो बहुत अंतर है। क्यों, मतलब जो WHO जो अपने आप आगे आकर के सब देशों को जो चुनौती दिए हैं, मतलब कि लॉकडाउन करने का, हर देश उसको सही तरीके से, और थोड़ा सा डिले हुआ है बट मगर उतना डिले तो नहीं हुआ जितना अमेरिका में हुआ है। उसका वजह से जो भी अभी चल रहा है, जो भी अभी प्रिकॉशनरी मेजर्स हो रहा है, वो मेरे ख्याल से ठीक हो रहा है। और लोकली जो चल रहा है अभी, वो भी बहुत ही अच्छा और हुंदे तरीके से अपने आप लोगों का सहकार है। उसके हिसाब उसके अलावा जो अभी गवर्नमेंट है यहाँ का, स्टेट गवर्नमेंट, वो भी बहुत ही 24 आवर्स वर्क कर रहा है। उसके लिए हमारे जो स्टेट गवर्नमेंट है वो बहुत ही कहने लायक है जी। आप फॉरेन बिजनेस में भी इंटरेस्ट रखते हैं, आपको लगता है कि फॉरेन बिजनेस के दौरान यदि देखा जाए तो पूरे विश्व में तो आर्थिक रूप से काफी नुकसान हुआ है। ऐसे में आप यदि बात करें, केवल भारत की ही बात करें, तो भारत में आपको लगता है कितना नुकसान हुआ होगा और इसको नॉर्मल होने में कितना समय लग जाएगा? अभी देखिए, जो अभी नुकसान हुआ है वो तो अभी आज का नुकसान है, आगे जा करके कितना नुकसान होता है, आगे ये जो महामारी है वो कैसा फैलेगा या वो कैसा सबसाइड होगा, उसके हिसाब से इकोनॉमी उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अभी तक जो हुआ है, जो अभी हो रहा है, वो तो बहुत बड़ा नुकसान है। मतलब कि 1930 में जो नुकसान हुआ उससे हटके जो 2008 और 9 में हुआ उससे बहुत भारी है, ये 10 या गुने बारी है। तो इसका अंदाज अभी 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 तो कुछ मालूम नहीं पड़ेगा, जब ये 3 या 4 महीने होगा उसके बाद जो हो जो जो भी इकोनॉमी ऊपर नीचे होगा तब आपको एग्जैक्टली जितना है वो पता चलेगा, अभी तो कुछ नहीं पड़ेगा, अभी की तो शुरुआत है। आप बता रहे जगनमोहन जी ये शुरुआत है, लेकिन लोग लॉकडाउन में 1 महीने से लगभग देखा जाए तो घरों में बैठे हुए हैं और अपने आने वाले फ्यूचर को लेकर काफी चिंतित है, और स्वाभाविक है, एक कोरोना जैसी महामारी सभी को एकदम अस्त व्यस्त कर रखा है। ऐसे में एक एज ए बिजनेसमैन होने के नाते जगनमोहन जी, आपको क्या कुछ प्लानिंग कर रहे हैं कि इतने दिनों के बाद या इतने महीने के बाद जब नॉर्मल होगा तो आप अपने आप को किस तरीके से रिकवर कर पाएंगे, या लोग और जो अन्य बिजनेसमैन है वो अपने आप को रिकवर कर पाएंगे? अभी देखिए, ये जो जो चल रहा है अभी उसके मुताबिक 1 नवंबर दिसंबर तक चलेगा ये जो स्लो डाउन है,
मतलब इकोनॉमिकल स्लो डाउन। उसके बाद आप देखेंगे तो अभी चाइना से जो कंपनीज हट जा रहे हैं, जैसे कि जापान है, अमेरिका है, सारे लोग जहां पर उनका इन्वेस्टमेंट है वो बाकी सब पीछे चले जा रहे हैं। जब जाएगा जो कंट्री जो जो देश वो अगर ठीक तरीके से अपने आप वर्कआउट करके वो जो कंपनी जा रहा है वो अगर वो हड़प लेंगे, मतलब कि वो कुछ फैसिलिटीज देंगे, तो तब जो कंट्री देगा उसको थोड़ा सा रिलीफ होगा उसमें। मगर वो रिलीफ होगा तो 3 साल तो मिनिमम लगेगा, क्यों, मतलब कंपनी लगाते फिर वो एस्टैब्लिश होते सब कुछ तो 3 साल तो लग जाएगा। मगर जब स्टार्ट होगा, जैसे कि अभी देखिए सॉरी जापान है, जापान अभी जितना भी उनका कंपनीज को पीछे ले जा रहा है, हालांकि ठीक है वो लोग लेकर जाएंगे उसके उनके पास उतना तो इकोनॉमिकल स्ट्रेंथ है, मगर इम्पॉर्टेंटली कि उनके पास जो वातावरण है वो वातावरण ठीक होगा या नहीं होगा वो कोई बोल नहीं सकते, एक्सेप्ट उनका जापान का जो सिस्टम है। वो अगर आप देखेंगे तो उसमें आपको क्या होता है, जहाँ पर वातावरण अनुकूल है उनका जो कंपनीज, थोड़े कंपनीज रहेगा, जैसे कि आप देखिए अगर आपको मतलब कि कंपनी जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, जहाँ पर आपको ड्राई चाहिए, मतलब पूरा सा थोड़ा सा मॉइस्चर होगा तो वो कंपनी खराब, जो मटेरियल होगा वो खराब हो जाएगा जल्दी। जैसे कि अभी पोल्ट्री है, पोल्ट्री में आपको सल्ट्रीनेस होगा तो वो मर जाएगा, तो उसके लिए ड्राई चाहिए। ऐसा थोड़े चीज़ होते हैं जहाँ पर जापान में अगर अनुकूल वातावरण है तो वहाँ लगाएंगे, प्रतिकूल है तो वहाँ से थोड़ा हटाना पड़ेगा उन लोगों को। जब उनका दो तरीके से रिक्वायर मतलब उनका आइडिया होता है, एक अगर सुपर पावर कंट्री जैसे कि चाइना में लगा दिए या आप देखिए कई दूसरे बड़े कंट्री में लगा दिए, तो उनके लिए एक्सेस करना थोड़ा सा मुश्किल होती है। तो जहाँ पर पूर कंट्री से जैसे कि अफ्रीकन कंट्रीज हो या इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स हो, उन लोगों को अगर उनका जो पॉलिसीज है या उनका जो प्राइम मिनिस्टर होगा या उनका गवर्नमेंट होगा, वो लोग अगर डायरेक्टली उनको एक्सेस देंगे तो डेफिनेटली ऐसे जो कंपनीज होगा मिड में होगा या बड़े होंगे वो लोग सब अपने आप शिफ्ट होने का संभावना रहेगा। और जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर्स है, ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो गया है, अगर उनका कंपनी उसमें फिट हो रहा है तो वो वहाँ पर जाएगा। जैसे कि इंडिया में बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर अभी है, जैसे कि आप देखेंगे हैदराबाद में जो हमारा आईटी इंडस्ट्री है उसमें जो अभी यूज़ कर रहे हैं उसमें अभी भी 40% का अभी भी चांसेस मतलब स्पेस है यहाँ पर लगाने का। जैसे कि जैसा बहुत सारे कंट्रीज में उनके अपने आप रहेगा, अगर गवर्नमेंट उसके पीछे लगा के उसका जो प्रमोशन करेगा और उनके पास जो सुविधाएं देंगे उसके हिसाब से सब कंपनीज ट्राई करते रहेंगे और मोस्टली चाइना से हट जाएगा। अंत में आप अपने जो बिजनेसमैन हैं, अपने जो लोग हैं, इन तमाम पूरी जनता को, नेपाल, भारत, पूरे विश्व भर की जनता से आपको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे उनसे आप? हाँ, अभी देखिए जैसे कि बिजनेस तो अप डाउन्स होते रहेगा, वो तो कॉमन है बिजनेस में, मगर ये जो अप डाउन, ये जो डाउन है, अब तो छोड़िए, ये डाउन कोई प्रिडिक्शन नहीं था किसी के पास, तो इसमें क्या है ना, थोड़ा सा बिजनेस कम्युनिटी वाले थोड़ा सा उसके ऊपर वर्कआउट करना पड़ेगा। और जो रिक्वायरमेंट विश्व में है, मतलब जैसे कि पोटेंशियल विनर्स है, मतलब पोटेंशियल रिक्वायरमेंट्स है, लाइक अभी देखिए मेडिसिन के बारे में, एक टेली कम्युनिकेशंस, एक ई कॉमर्स, ऐसे अगर आप देखा जाएंगे उसके ऊपर तो बिजनेस तो चलेगा।
क्यों मतलब अभी लॉकडाउन में आपको जो मटेरियल मिल रहा है ई कॉमर्स से थोड़ा मिल रहा है, और ये जो ई कॉमर्स इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स में यूसेज बहुत कम है। ऐसे कि अगर अगर यूथ उसके पीछे उनका दिमाग लड़ाएंगे और उसके ऊपर अगर वर्कआउट करेंगे तो डेफिनेटली उनको बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज मिलेगा। तो जगनमोहन जी, आपने काफी अच्छी जानकारी दी बिजनेस के मामले में, पूरे कोरोना को मामले में, कि हैदराबाद में किस तरह के हालात हैं और किस तरीके से आप लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं। तो जगनमोहन जी, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। ये जगनमोहन जी थे हैदराबाद से, जो बता रहे थे कि सबसे पहले देश है, नुकसान तो अभी हो रहा है लेकिन इस नुकसान का भी भरपाई हम लोग कर लेंगे, जान है तो जहान है, इसलिए पहले अपनी जिंदगी को सुरक्षित रखें, लॉकडाउन का सख्ती से पालन करें और फिर मिलेंगे अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए नमस्कार। प्रेस द बेल आइकन ऑन द यूट्यूब ऐप एंड नेवर मिस अनदर अपडेट। प्रेस द बेल आइकन।